देश के अलग अलग राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना मंगलवार को सुबह 8 बजे से ही जारी है। जिन राज्यों की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उनमें मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश सहित 8 अन्य राज्य शामिल हैं। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा क्षेत्रों में तथा यूपी में 7 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिनके मतगणना में भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है। बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर रही है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के मिले बहुमत पर भाजपा ने जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। मेनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में भाजपा ने जश्न मनाया और खुशी का इजहार किया। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने कहा, जो अंतर है लगभग 1000 के अंदर 8 सीटें। ठीक है पीछे जाइए अध्यक्ष जी। पूरे देश भर के कई प्रांतों में चुनाव हुए हैं, विशेषकर उत्तर प्रदेश के में 7 सीटों पर जो चुनाव हुए हैं उसमें 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। गुजरात में सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, मध्य प्रदेश में और विशेषकर तेलंगाना और कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी लगातार कमल का फूल खिला है। बिहार में जो सारे पॉलिटिकल पंडितों ने जो आंकड़े दिए थे, भारतीय जनता पार्टी अपने नरेंद्र भाई मोदी जी के नीतियों के आधार पर और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। और निश्चित रूप से हमारे जो तपस्वी कार्यकर्ता हैं,
जिन कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम करके काम किया है। सभी राज्यों की महान जनता को मैं इस नाते प्रणाम करना चाहता हूं कि उन लोगों ने केंद्र की और प्रदेश की नीतियों के आधार पर और भारतीय जनता पार्टी के तपस्वी कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर जो वोट दिया है, उन जनता के निर्णय को सिरोधार्य करता हूं और अपने नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई देता हूं।